Welcome to Study India. Hi friends, this is our new channel. Please subscribe to our channel and hit the bell icon. Latest new educational video. तो ये जो वीडियो है ये SSC CGL CHSL बैंकिंग IBPS रेलवे डिफेंस LIC एंड UPSC ये सब एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हो तो आप हमारे इस चैनल पर आपको फ्रीली GK प्रोवाइड किया जाएगा। तो आज का ये नया वीडियो है, हम लोग नया सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फादर ऑफ कंप्यूटर। हु वाज द फादर ऑफ कंप्यूटर? स्टीवन जे, चार्ल्स बेबेज, लॉर्ड कैवलिन एंड बिल गेट्स। यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है वो कौन सा सही आंसर है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, चार्ल्स बेबेज। ठीक है, ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आते नेक्स्ट क्वेश्चन, CPU फुल फॉर्म। CPU का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द नेम ऑफ द कंप्यूटर परमानेंट मेमोरी? मेमोरी कार्ड, रोम, रैम, ऑल ऑफ दोस। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, व्हाट इज द नेम ऑफ द कंप्यूटर परमानेंट मेमोरी। कंप्यूटर का जो परमानेंट मेमोरी है उसको हम क्या कहते हैं? ओके, क्या कहकर हम लोग बुलाते हैं? ऑप्शन बी, रोम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट इंडियन सुपर कंप्यूटर इज दिस। हिंदुस्तान का पहला सुपर कंप्यूटर कौन था? आदित्य, परम, 8000, टाइफर, सुपर कंप्यूटर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, परम 800, परम 800। ठीक है, परम 800 जो है वो इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर है। DTP फुल फॉर्म, DTP का फुल फॉर्म क्या है? DTP का फुल फॉर्म होगा ऑप्शन सी, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। ठीक है, ये इस क्वेश्चन को पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, इन व्हिच ईयर एस्टैब्लिश गूगल कंपनी? गूगल कंपनी कौन सी ईयर में स्थापित हुआ था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 1998। ठीक है, ये भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन, हु क्रिएटेड फेसबुक? फेसबुक को किसने बनाया था? मार्क हेलब्रिज, मार्क जुकरबर्ग, जेफ बेजोस, जेफ हार्डी। इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी, मार्क जुकरबर्ग। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, ISP फुल फॉर्म, ISP का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोसेसर, इंडियन सेटेलाइट प्रोफेशन एंड ऑप्शन डी, इंटरनेशनल सर्विस प्रोसेसर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, तो ये टॉपिक आज हम लोग कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। तो अगला जो वीडियो है वो मेरा वो कल परसों तक अपलोड हो जाएगा, तो वहाँ पर हम लोग जनरल GK डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना, क्योंकि वीडियो को लाइक जब आप करते हो तो हमें उत्साह ज़्यादा मिलता है। ठीक है, और फिर वीडियो को शेयर ज़रूर करना, क्योंकि ये वीडियो किसी ना किसी बच्चे का काम में ज़रूर आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, वर्ल्ड फास्ट सुपर कंप्यूटर, इंटेल पेरेगो, CDC 6600, इनेस जावेद। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी, CDC 6600। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, हु डिस्कवर सुपर कंप्यूटर? ठीक है, सुपर कंप्यूटर को किसने बनाया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बोरिस बेबियन। ठीक है, ये भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इस क्वेश्चन को रेलवे में ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, इन व्हिच ईयर एस्टैब्लिश फेसबुक? फेसबुक कौन सी ईयर में स्थापित हुआ था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 2004। ठीक है,
ये भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हिच ईयर एस्टैब्लिश ट्विटर, ट्विटर कौन सी ईयर में स्थापित हुआ था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 2006। ठीक है, ये भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, www फुल फॉर्म व्हाट, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब, ये भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आप इस क्वेश्चन को हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन पहले भी SSC में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 40, URL फुल फॉर्म, URL का फुल फॉर्म क्या होता है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्वेश्चन नंबर 50, हु डिस्कवर्ड ब्लूटूथ, ब्लूटूथ को किसने बनाया था। इसका सही आंसर होगा क्या, ऑप्शन डी एरेस कॉन्सन। ठीक है, ये भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी SSC में पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द फादर ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट का फादर किसे कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी फिन शार्प। ठीक है, फिन शार्प को इंटरनेट का फादर कहा जाता है, ये क्वेश्चन भी रेलवे में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज लिनक्स, इसका सही आंसर क्या होगा। आंसर तो सही आंसर जो होगा होगा लिनक्स इज ए ऑपरेटिव सिस्टम। ठीक है, लिनक्स इज ए ऑपरेटिव सिस्टम, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए ऑपरेटिव सिस्टम। ठीक है, ये भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन DRDO का जो एग्जाम हुआ था वहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया था। व्हिच लैंग्वेज इज यूज वेबसाइट डिज़ाइन, कौन सा लैंग्वेज यूज़ किया जाता है वेबसाइट डिज़ाइन में। C, PHP, HTML, C++, C++। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी HTML। ठीक है, ये भी क्वेश्चन रेलवे में आया था दोस्तों। SMS का फुल फॉर्म क्या है, SMS का फुल फॉर्म जो होगा ऑप्शन बी शॉर्ट मैसेज सर्विस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू मेक कंप्यूटर चिप्स, हाउ टू मेक कंप्यूटर चिप्स। ठीक है, कंप्यूटर चिप्स कैसे बनाया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सिलिकॉन। ठीक है, सिलिकॉन से कंप्यूटर चिप बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, वन बाइट इज डैश बिट इक्वल टू डैश, वन बाइट इज डैश बिट इक्वल टू डैश। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका तो सही आंसर होगा होगा ऑप्शन एट, ऑप्शन सी एट। ठीक है, वन बाइट इज डैश बिट इक्वल टू डैश, एट होगा। ठीक है, ये भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड कीबोर्ड, कीबोर्ड को किसने बनाया था। फिन शार्प, एरेस्कन, सेमर क्रे एंड क्रिस्टोफर लैथम सोलिस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, ये भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, OMR फुल फॉर्म, OMR का फुल फॉर्म क्या है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, ये भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो OMR का जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है SSC में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, व्हिच पार्ट इज कॉल्ड कंप्यूटर इंजन, कंप्यूटर का कौन सा अंग को मतलब कंप्यूटर का कौन सा हिस्से को कंप्यूटर का इंजन कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी प्रोसेसर, कंप्यूटर का प्रोसेसर को कंप्यूटर का इंजन ही कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, HTTP फुल फॉर्म, HTTP का फुल फॉर्म क्या है। ये क्वेश्चन भी SSC में आ चुका है पहले। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना। SSC का फुल फॉर्म होगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 25, व्हिच इज नॉट ए ऑपरेटिंग सिस्टम, वो कौन सा है जो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। लिनक्स, जावा, फायरस, ऑल ऑफ द अबव। इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन बी जावा, जावा जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26, GSM फुल फॉर्म, ये क्वेश्चन भी रेलवे एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, GSM का फुल फॉर्म क्या है, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल, GSM का फुल फॉर्म, ये क्वेश्चन भी आया था। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म होगा ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, हु डिस्कवर्ड मोबाइल फ़ोन। ठीक है, मोबाइल फ़ोन को किसने पहले बनाया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मार्टियन कॉपर,
मार्टियन कॉपर ने पहली बार मोबाइल फ़ोन तैयार किया था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज़रूर शेयर करना, क्योंकि हर बच्चे तो के वीडियो पहुँचना ज़रूरी है, क्योंकि किसी ना किसी बच्चे को तो स्टडी मटेरियल का ज़रूरत है, तो उसका काम ज़रूर आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही।